इसका अब्बा बहुत बड़ा नेस्ती है भाई। मैंने बोला चाचा दुनिया में क्यों आए हो? कह रहा बेटा चरस खत्म करने आया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहता पी पी के। दीदी तुम इसकी बकवास क्यों सुन रही हो? पुलिस को फोन करो, पकड़वाओ इसको पुलिस में। पुलिस से क्यों पकड़वा रही है? दोनों बहने मिलके पकड़ लो मुझे। तुम्हारा टैटवा पकड़ ले। हाँ तुम्हें तो हम पुलिस से ही पकड़वाएंगे। पता है रेमो सर, इसने ना हमें धोखे से अपनी डांस एकेडमी में एडमिशन दिलाई है। हमको बोला था मैंने सबको डांस सिखाया, कुछ नहीं किया इसने। अरे बड़े बड़े डांस सिखाए लोगों को, माइकल जैक्सन को मैंने सिखाया डांस। माइकल जैक्सन को तुमने डांस सिखाया? यकीन नहीं है? नहीं। ऊपर जाओ पता कर लो, सजाओ। मैं टॉर्चर करती हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, तुम तो घुस बेटिया हो। मेरे घर में घुस के बैठ गई हो मनुष। बीवी हूँ तुम्हारी, बदतमीज। हाँ तो तेरा मेरा कोई खून का रिश्ता बीवी है? जा अपने घर, हो गया खत्म। ऐसा थोड़ी होता, मैं बचपन में शादी हो गई यार। माँ बाप, मैं गली में क्रिकेट खेल रहा था। अम्मा ने कहा तेरी शादी है, मैं समझा कोई काम है। मैंने कहा चलो कर लो भाई, ये काम भी कर लो। ये काम तो गले ही पड़ गया मेरे। आते ही बकवास करिए, मेहमान आए हो, दुआ सलाम कर, उनको तमाशा दिखा, बता बंदरिया ससुराल कैसे जाती है। क्या बकवास बंद करो। अरे वाह, पुलकित सम्राट आए हैं शो पर। हाँ पुलकित सम्राट, इसने तो पब्लिक का इंतजार ही नहीं किया। कोई इसको दबंग बोले या किंग बोले, 600 का सम्राट खरीदा, लगाया, आ गया। सब्जियाँ कहाँ से आई? सड़क से। छी, शर्म गया कि आपको भीख मांगते हुए? भिखारी हो तेरा बाप। पापा को भिखारी मत कहिए। तो क्या कहूँ आपको? पता भाई, इसके बाप को एक दिन मैंने बोल दिया कि शक्ल देखी है भिखारी के कटोरे जैसी, तो मुंह आगे कर कहता है फिर डाल देना कटोरे में कुछ। हाँ हाँ वाह, बात करो बात करो। किससे फोन पे बात कर रहे हो? पागल होगी, चप्पल पे कोई बात करता है क्या? ये राजपाल यादव यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, इलाज कराने आया है। इन्हें क्या बीमारी हुई? जो 36 साल पहले मुझे हुई थी। वो क्या? मैंने भी एक दिन कहा था ना मैं हीरो हूँ, आज ये कह रहा है। उनकी छोड़ो, तुम्हारे इंजेक्शन का टाइम हो गया, चलो। राजपाल भाई देखो, इसका अपना मुंह टीके जैसा मुझे इंजेक्शन लगा रही। शर्मा जी, शादी से लेके आज तक आपने मुझे एक तोहफा नहीं दिया है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि शॉपिंग कैसे करते हैं। इनके पिताजी ने मुझे ट्रेन करके भेजा शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है इनको मेरे घर में आके पता चला शॉपिंग किसको बोलते हैं? ये पहले मॉर्निंग वॉक को शॉपिंग बोलते थे। मैं जब भी जाता हूँ इनके घर में, पापा कहा है अरे शॉपिंग करने गए। मैंने कहा ये कौन सी शॉपिंग है, जाता भी खाली हाथ आता भी खाली हाथ। देखिए पापा हमें रोज मॉल ले जाते थे। वो जब से इनको पता चला ना कि मॉल में बाथरूम के पैसे नहीं लगते। नहीं तो आप खुद सोचो, मॉल में शॉपिंग करने दो टाइम कौन जाता है सुबह शाम। देखिए शर्मा जी, हमारे घर में बाथरूम था और भगवान की दया से इतना अच्छा बाथरूम कि आप अंदर बैठे हो, बारिश हो रही फिर भी भीग सकते हो आप। क्योंकि उसकी छत ही नहीं थी बाथरूम की। एक सेकंड, छत पापा कैसे लगाएंगे अगर दीवार नहीं थी तो? मैं